कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रेड क्रॉस सिद्धांता के किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर एडी सूरी जी मौजूद हैं। सर, आपका दखल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। किडनी एक विशेष अंग होता है शरीर का, जिसके फंक्शन ना करने पर आदमी की मौत भी हो जाती है। आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, कभी कभी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा। जी हाँ, किडनी बेसिकली एक फिल्ट्रेशन ऑर्गन है और शरीर में दो किडनीज होती हैं, पर उनको हम लोग एक ही मान के चलते हैं, क्योंकि दोनों का जो यूज़ होता है वो दोनों किडनीज शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है, शरीर में खून से गंदे तत्वों को रिमूव करती है और अच्छे तत्वों को डालती है, कुछ हार्मोन का सिंथेसिस भी करती है। तीसरा काम इसका ये रहता है कि शरीर में जो एसिड बेस का मेटाबॉलिज्म रहता है उसको भी संचालित करती है, शरीर में एसिड को बाहर करती है और पेशेंट नॉर्मली अपनी बॉडी नॉर्मल रूप से चलती है। एक और काम रहता है कि शरीर में वाटर कंजर्वेशन, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो किडनी उसको कंजर्व करती है, और अगर मनुष्य ज़्यादा पानी पीता है तो उसको शरीर से बाहर करती है। तो ये सारे काम, जैसे वाटर कंजर्वेशन, सॉल्ट कंजर्वेशन एवं हार्मोनल सिंथेसिस, ये सब किडनी का काम है बिसाइड्स फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। डॉक्टर साहब, किडनी से संबंधित कई बीमारियां होती हैं, देखा गया है कि किडनी फेलूर हो जाता है, लोग अवेयर नहीं रहते कि क्या बेसिकली होता क्या है इसमें, कि जब तक जानकारी मिलती है जब तक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि लोगों का बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब क्यों ऐसा होता है कि किडनी को फेलूर की? नॉर्मली क्या, किडनी फेलियर दो टाइप्स के होते हैं, एक रहता है एक्यूट किडनी इंजरी या जिसको पहले कहते थे एक्यूट रीनल फेलियर, और एक रहता है क्रॉनिक रीनल फेलियर या CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है कि कोई कारण रहता है जिससे किडनी अचानक काम करना बंद कर देती है, और विद पैसेज ऑफ टाइम, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते, यूजुअली 2 to 3 weeks में ये रिकवर कर जाती है, बशर्ते उसका कॉज सही कर दिया जाए, जिसमें मोस्ट कॉमन रहता है जो डे टू डे प्रैक्टिस में आता है, जैसे उल्टी दस्त हो गए तो काफ़ी दस्त निकलने से पानी का लॉस होता तो किडनी के ऊपर किडनी काम करना कम कर देती है। दूसरा रहता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हुआ, काफ़ी ब्लड लॉस निकल गया, BP फॉल हुआ तो किडनी काम करना बंद कर देती है, या कभी कभी कुछ दवाइयों का सेवन होता है, जैसे बहुत ज़्यादा आपने पेन किलर्स खा ली या यूनानी आयुर्वेदिक इस टाइप की दवाइयाँ खाई जो किडनी को हार्म करती है, तो उससे भी किडनी का नुकसान होता है। कभी कभी यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से या सेप्सिस की वजह से, ब्लड में इन्फेक्शन सेप्सिस की वजह से किडनी काम करना बंद कर देती है, और शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें किडनी भी एक ऑर्गन रहता है, लंग्स रहता है, हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है जिसमें किडनी इज़ वन पार्ट ऑफ द ऑर्गन, तो इस टाइप से किडनीज का काम कम हो जाता है। और अगर समय रहते ट्रीटमेंट हो गई, पेशेंट सर्वाइव हो गया मल्टी ऑर्गन फेलियर में, तो किडनी रिकवर हो जाती है। और कुछ बीमारियां ऐसी रहती हैं, जैसे अभी एक पेंडेमिक आया था कोविड का, तो उसमें भी किडनी इन्वॉल्वमेंट थी, पर बेसिकली कोविड ने लंग्स को इन्वॉल्व किया था और किडनी एक बायस्टैंडर थी, जैसे उसमें अगर इन्फेक्शन हो गई, सेप्सिस हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर में है तो किडनी इन्वॉल्व हो गई। तो ये हो गया एक्यूट इंजरी, जिसमें या तो पेशेंट सर्वाइव करता तो किडनी रिकवर हो जाती है, या पेशेंट सर्वाइव नहीं करता तो फिर अलग चीज़ रहती है। और जो किडनी सर्वाइवर रहता है, पेशेंट सर्वाइवल, वो यूजुअली मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट सर्वाइवल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी हाई रहती है, मतलब पेशेंट को लूज़ करने की संभावनाएं अधिक रहती है। जैसे जैसे शरीर के अंग फेल होना स्टार्ट होते हैं तो उसमें पेशेंट का लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जैसे जो कि लोगों को ज़्यादा उसकी नॉलेज रहती है, उसमें कई किसी कारणवश जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़, या कुछ क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहता है, उसकी वजह से किडनी इफेक्ट हो जाती है, किडनी सुकड़ जाती है या सफ़ेद पड़ जाती है, और धीरे धीरे ये बीमारी प्रोग्रेस करती है और अल्टीमेटली किडनी पेशेंट को डायलिसिस या किडनी चेंज करवानी पड़ती है। सर, उसमें रिकवरी संभव नहीं है। डायलिसिस की बात करें, डायलिसिस को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है, डायलिसिस जनरली लोग समझ नहीं पाते होता क्या है, डायलिसिस को थोड़ा विस्तार से समझाइए। ये एक तो डायलिसिस चल रहा है, आप देख सकते हैं आराम से पेशेंट लेटा हुआ है, डायलिसिस जब किडनी 10% से कम काम कर रही होती है और परमानेंट किडनी डैमेज होता है तो डायलिसिस स्टार्ट किया जाता है। उसमें कुछ वैल्यूज़ रहती है, यूरिया क्रिएटिनिन की भी वैल्यूज़ रहती है, कुछ सिम्टम्स रहते हैं कि अगर किसी को हाई यूरिया क्रिएटिनिन और सांस फूल गई तो फिर डायलिसिस स्टार्ट किया जाता है। और एक बार डायलिसिस स्टार्ट किया जाता है
तो फिर लाइफ लॉन्ग उसका चलता रहता है, सप्ताह में 2 बार या 3 बार। इसमें ब्लड फिल्टर में जाता है, फिल्टर से ब्लड प्योरीफाई होकर पेशेंट में वापस आ जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि किडनी उसकी काम नहीं कर रही, जो किडनी का काम है या मशीन काम कर रही है बेसिकली। तो उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि किडनी का काम हार्मोन सिंथेसिस है, और शरीर में 2 हार्मोन्स की कमी हो जाती है जब किडनी फेल होती है, एक तो विटामिन D3 की और दूसरा एरिथ्रोपोएटिन। विटामिन D3 शरीर में हड्डियों का और कैल्शियम का संचालन करती है, तो इस इन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो हम लोग एक्स्ट्रा दवाइयाँ देते हैं कैल्शियम की और फॉस्फोरस को कम करने की दवाइयाँ होती हैं और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स करते हैं। और खून की कमी, एरिथ्रोपोएटिन एक किडनी में हार्मोन बनता है जो किडनी बोन मैरो में जाके खून बनाता है, तो इसलिए जब किडनी फेल होती है और डायलिसिस पे पेशेंट होता है तो उसको खून की भी प्रॉब्लम कमी हो जाती है, तो वो भी एक एक्सोजेनस एक एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है जो हफ्ते में 1 बार या 2 बार दिया जाता है। अच्छा, अपने शरीर में 2 किडनी का वो है कि 2 किडनी रहती हैं, अगर एक फेल भी माना जाता है कि अगर एक किडनी फेल भी होती है तो दूसरी किडनी से उतना काम किया जा सकता है जिससे कि 2 किडनियाँ काम करती है। आदमी के जीवन लाइफ को बचाए रखने के लिए एक किडनी ही सफिशियंट होती है, क्योंकि कभी कभी देखा गया कि जो किडनी दान देते हैं लोग, किडनी का भी दान देता है, अपने परिजनों में ही दान दिया जाता है क्योंकि दूसरी किडनी एक्सेप्ट करती नहीं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो किडनी एक रहती है एक से भी काम हो जाता है जितना? यूजुअली क्या होता है, एक तो बीमारी की वजह से एक किडनी अपनी ख़राब हो गई पर दूसरी किडनी सही है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे स्टोन की बीमारी होती है जिसमें एक किडनी में पेशेंट निगलेक्ट किया और किडनी डैमेज हो गई, उस स्टोन का सही टाइम ट्रीटमेंट नहीं कराया तो उसमें किडनी निकालनी पड़ती है। दूसरी किडनी अगर काम सही कर रही है तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम जीवन भर में नहीं आती, पर अगर पेशेंट सिर्फ एक किडनी पे हो जाता है तो उस किडनी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ होती है या हाई ब्लड प्रेशर होता है या कोई और बीमारी आती है तो ऐसी दवाइयों का या ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिससे उस किडनी के ऊपर लोड पड़े। और जैसे कई किडनी ट्रांसप्लांट में आदमी एक आदमी अपने रिश्तेदार को किडनी जब देता है तो उसमें भी एक किडनी पे नॉर्मल आदमी आ जाता है, तो उसमें बस हम लोग ये कहते हैं कि आप अनवांटेड दवाइयों का सेवन ना कीजिए, पेन किलर्स का सेवन ना कीजिए, ओवर द काउंटर मेडिसिन का सेवन ना कीजिए। कई लोगों में ये होता है, आजकल व्हाट्सअप होता है कि ये दवाई खाओ तो उससे ये इम्प्रूव हो जाएगा, वो दवाई खाओ तो ये चीज़ हो जाएगी, किडनी अच्छी हो जाएगी, ये सब चीज़ों को निगलेक्ट करें, इग्नोर करें और अपना नॉर्मली जो डॉक्टर बोले उसकी तरह वो करें। और अगर फ्यूचर में किसी को एक पर्सन है जो एक किडनी पे है किसी कारणवश, तो चाहे उसकी किडनी निकली हो, चाहे उसको किडनी की बीमारी एक किडनी की वजह से निकालनी पड़ी, या किसी को कैंसर होता तो किडनी निकाल देते, तो फिर वो उसको अगर कभी फ्यूचर में डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको इग्नोर ना करें, उसका इलाज कराएं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर काफ़ी किडनी के ऊपर दबाव लगाती है और किडनी को इन्वॉल्व करती है, तो इसलिए अपने को उसको कायदे से उसका इलाज कराना चाहिए और उसको अपने को दवाइयाँ नियमित रूप से खानी चाहिए। अच्छा, किडनी स्टोन के बारे में भी लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि किडनी स्टोन नॉर्मल होता है, पानी पीने से निकल जाएगा अगर होता है, किडनी स्टोन को क्या इतना नॉर्मल लिया जा सकता है, क्योंकि स्टोन भी बनता है तो बार बार स्टोन का बनने कुछ ना कुछ कमी या स्टोन का क्या है, पानी से निकल तो जाता है लेकिन अगर छोटे साइज़ का हो। किडनी स्टोन में डिपेंड करता है कि एक तो लोकेशन क्या है किडनी में, किस लोकेशन पे, और दूसरी चीज़ क्या है उसका साइज़ क्या है। अगर बहुत बड़ा स्टोन है तो वो निकल नहीं पाएगा क्योंकि वो किडनी में उसके रास्ते में फंस जाएगा, और वो निकलने का रास्ता साइज़ पत्थरी के साइज़ से छोटा है तो वो फंस जाएगा। और अगर छोटा स्टोन है 7 mm के नीचे है तो वो यूजुअली निकल जाता है या तंग नहीं करता, किडनी को इन्वॉल्व नहीं करता यूजुअली। और दूसरी चीज़ रहती है कि किडनी स्टोन एक बार होते हैं तो बार बार बनने की चांसेस हाई हो जाते हैं, तो इसलिए किडनी स्टोन वाले पेशेंट को पानी ज़रूर पीना चाहिए। कुछ हार्मोन की इम्बेलेंस होता है, जैसे कि इन लोगों का कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा रहता है, कईयों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, कईयों को शरीर में मतलब हाइपर कैल्सी यूरिया होता है, तो मतलब कैल्शियम की मात्रा यूरिन में ज़्यादा हो रही है, तो इस टाइप की चीज़ें से स्टोन बनता है। और कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है स्टोन्स की जिसकी वजह से स्टोन बनता है और अल्टीमेटली किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है अगर उसका साइज़ बड़ा और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में वो फंस गया। इसके लिए किडनी स्टोन के लोगों को जनरली क्या करना चाहिए? नॉर्मली तो अगर किडनीज आपकी नॉर्मल हैं और कुछ नहीं है तो पानी अच्छा पीना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब अगर ये स्टोन आपको डिटेक्ट हो तो आपको एक यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट
प्लान जानना चाहिए। यूजुअली लोग सोचते हैं कि ये कोई दवाई देंगे जिससे स्टोन निकल जाएगा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्टोन नॉर्मली कैल्शियम का होता है या यूरिक एसिड का होता है, ये हार्ड स्टोन्स होते हैं। तो ये ऐसे पत्थर होते हैं जैसे अपने छोटे छोटे पत्थर रस्तों में होते हैं, तो वो आप उसके ऊपर कुछ भी दवाई डालोगे तो भी कुछ निकलेगा नहीं या टूटेगा नहीं। तो वो लोकेशन के, जैसे मैंने आपको बताया, अगर साइज 7 mm के ऊपर है स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, तो उसको निकलवाना ही बेटर रहता है। सर, ये रेड क्रॉस सिद्धांता में जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है, कि मैगी मशीनें रहती हैं, जो एक्सपेंसिव मशीनें रहती हैं, जो जनरली हॉस्पिटल्स में नहीं पाई जाती, अपने यहाँ ऐसी कौन सी अत्याधुनिक मशीनें हैं जिनसे डायलिसिस का काम बड़ी आसानी के साथ हो रहा है? ये सारी मशीन्स हैं, हमारे यहाँ 7 मशीन्स हैं जिसमें डायलिसिस हो रहा है। अराउंड महीने के अराउंड 400 डायलिसिस होते हैं। ICU में एक अलग डेडिकेटेड मशीन है जिसमें हम लोग करते हैं। तो इन मशीन, ये काफ़ी एडवांस मशीन है, इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे हफ्ते में पेशेंट आते हैं OPD में और हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस करते हैं। रेड क्रॉस सिद्धांत में इसे डायलिसिस किडनी से संबंधित जो बीमारियाँ होती है उसके अलावा और भी कई सुविधाएं मिलती हैं कि हॉस्पिटल, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर चीज़ की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल की क्या खासियत, मतलब रीनल ट्रांसप्लांट इधर होता है, हफ्ते महीने के 1-2 किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं। और यहाँ पे पहला भोपाल का कैडावरिक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था आज से 5 साल पहले, वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट था। कैडावरिक ट्रांसप्लांट मतलब कि जिसकी मृत्यु हो गई थी उससे किडनी निकाली गई थी और एक जीवित पेशेंट में लगाई गई थी, ब्रेन डेड पेशेंट से एक पेशेंट में लगाया गया था। वो पेशेंट आज भी ठीक है और उसका किडनी फंक्शन आज भी 1.4-1.3 है, और कल ही मुझे वो दिखा के गया, उसका नाम कमलेश यादव। तो ये सुविधाएं, जैसे लास्ट मंथ हम लोगों ने 2 ट्रांसप्लांट किए थे, दे आर डूइंग वेल। कभी कभी ट्रांसप्लांट में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, किडनी ट्रांसप्लांट में वो एक अलग इशू है। तो सुना है किडनी ट्रांसप्लांट करने में, जैसे किसी अगर पर्सनल पारिवारिक नहीं हुई तो उसके एंटीजन एंटीबॉडी उसके इफेक्ट कर जाता, साइड इफेक्ट हो जाता है, और किडनी को खुद की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किडनी को ही मारने लगती है, ऐसा कुछ रहता है? हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट नॉर्मली क्या है कि शरीर में जो किडनी बनाई गई है पेशेंट के खुद के शरीर के लिए बनाई गई है। जब ये दूसरे शरीर में लगाते हो तो इसमें इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होता है, जो अगर आपकी किडनी की दूसरे मनुष्य में लगाई गई तो उस मनुष्य में उस किडनी के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट होगा और वो किडनी को डिस्ट्रॉय करेगा, चाहे आप रिश्तेदार हो या ना हो तो भी एक इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती है, इम्यूनोसप्रेसेंस, जो दी जाती है लाइफ लॉन्ग, और वही उसका संचालन वही करना पड़ता है कि किडनी का फंक्शन कम तो नहीं हो रहा या कोई रिजेक्शन तो नहीं हो रही या इन्फेक्शन नहीं हो रहा। नॉर्मली किडनी ट्रांसप्लांट में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, एक रहता है रिजेक्शन कि वो इम्यून बेस्ड है, और आप क्योंकि इनको दवाइयाँ देते हो रिजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती है, तो इसलिए इन लोगों को इन्फेक्शन का मात्रा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे पेशेंट्स जिनको इन्फेक्शन इतना नहीं होता, इन लोगों की इन्फेक्शन से फाइट करने की क्षमता कम हो जाती है, तो इसलिए इन लोगों को रिजेक्शन और इन्फेक्शन का गेम रहता हो। नॉर्मली अगर सब कुछ सही रह रहा है और पेशेंट कंप्लायंट है, डॉक्टर को बराबर दिखा रहा, तो ठीक ठाक इन लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, मशीन से बंधना नहीं पड़ता, बार बार खान पान का आपका इजी हो जाता है, क्योंकि किडनी पेशेंट जो डायलिसिस पे होता है उसको 10 चीज़ें मना की जाती है कि ये मत खाइए वो मत खाइए, जैसे उनको फ्रूट्स नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते नॉर्मल तौर पे, टमाटर नहीं खा सकते, तो सारी चीज़ों से आदमी मुक्त हो जाता है, सब कुछ खा पी सकता है और दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर। डॉक्टर साहब, एक और भ्रांति फैली रहती है कि जिनको स्टोन रहता है किडनी बीमारी, तो वो बोलते हैं कि शराब का सेवन करो तो स्टोन निकल जाता है, ये कितना सच है? आपका तो यहाँ बियर का कहते हैं क्योंकि यूरिन ज़्यादा आता है तो उससे वो स्टोन आपका निकल, जब भी आप यूरिन आएगा तो जैसे मैंने कहा ना, छोटा पत्थर होगा 7 mm से नीचे तो उसमें आपको फ्लश करना पड़ेगा, तो यूरिन ज़्यादा आएगा तो वो निकल जाता है, लेकिन वो उससे शराब के भी नुकसान होते हैं ना, शराब पीने से भी नुकसान, उससे अच्छा पानी पी लीजिए या कुछ लिक्विड इंटेक ज़्यादा कर लीजिए, उससे भी निकल जाएगा, शराब पीने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होकर वो स्टोन निकल सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे किडनी के पेशेंट के मरीज होते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको भविष्य में ऐसी कुछ क्रिटिकल परेशानी ना हो? उनको एक तो अपने नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी चाहिए, 1.5 महीने 2 महीने में अपने किडनी के टेस्ट कराने चाहिए, डाइट उनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको कुछ चीज़ें मना होती है वो नहीं सेवन करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स नहीं खा सकते, फ्रूट्स में ये लोग सिर्फ अमरूद पपीता सेब या पाइनएप्पल थोड़ा बहुत ले सकते हैं,
दूसरी चीज़ होती है कि इनको पानी, इनकी अगर शरीर में सूजन है तो पानी और नमक का सेवन कम करना चाहिए। अगर सपोजिंग सूजन नहीं है तो फिर पानी और नमक का सेवन अपने विशेषज्ञ से पूछ के ही उस टाइप से सेवन करें। और तीसरा, पालक, मेथी, टमाटर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पेन किलर्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। कई लोगों को जब डॉक्टर बोलता है कि किडनी आगे चल के डायलिसिस लगेगा तो ये क्वैक्स के पास जाते हैं, छोटे मोटे जगहों पे जाते हैं जहाँ उल्टी सीधी दवाइयाँ खाते हैं जिससे और किडनी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें इनको अवॉइड करनी चाहिए, जिससे दवाइयों से इनकी किडनी जो भी बची है वो अच्छी चल जाए। दवाइयाँ भी कभी कभी साइड इफेक्ट करती हैं, किडनी को नुकसान करती हैं, जो अपन पेन किलर वगैरह। पेन किलर्स तो किडनी को नुकसान करती है, खासकर जिसका किडनी फेल है तो उसको ज़्यादा नुकसान करती है। तो उसमें वो डायलिसिस, अगर किसी का किडनी प्रॉब्लम है और वो पेन किलर खाता है तो उसकी किडनी फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा धीरे। उसको अगर सपोजिंग 5 साल में डायलिसिस लगेगा तो वो हो सकता है 6 महीने में लग जाए, तो वो किडनी को डिस्ट्रॉय कर ही जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई कैसे जानेगा कि हमें किडनी की बीमारी हो रही है, कैसे प्राथमिक इसका फर्स्ट वो जो वो दिखता है? आपको अपना स्क्रीनिंग करानी चाहिए, खासकर जिसको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो उनको अपने किडनी के टेस्ट कराने चाहिए, जो कि बड़े सिंपल और सस्ते टेस्ट हैं। दूसरा, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको रेगुलर मॉनिटर अपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। जब सिम्टम्स आते हैं तो किडनी के सिम्टम्स आते हैं तो किडनी काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है, जैसे सूजन आना, पेशाब में झाग आना, या रात को पेशाब आना, या खुजली शरीर में होना, या खून की कमी होना। तब इन लोगों का जो सिम्टम्स होते हैं वो एडवांस किडनी फेलियर के होते हैं, तब आपको मालूम चलता तब किडनी ऑलमोस्ट क्रिएटिन बहुत हाई होता है उस टाइम। तो आपका किडनी का उस टाइम सही तरह, मतलब आपको जब मालूम चला तो पता चला कि किडनी ऑलमोस्ट 80-90% डैमेज हो चुकी है। तो आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए, और अगर कोई आपको बोले कि नियमित रूप से चेकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई जिसको डायबिटीज़ है उनकी चेकिंग, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है अगर किडनी डिजीज़ की या किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई है तो उनको भी अपना नियमित रूप से चेक कराते रहना। जेनेटिकल जो रहते हैं, जेनेटिक रहते हैं, कईयों में कई बीमारियां जेनेटिक नहीं भी होती तो भी उनको, जिसको अगर मेरे को किडनी प्रॉब्लम है तो मेरे फैमिली वालों को हाई चांस है कि उसको भी हो सकती है। तो आखिरी सवाल यही कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग कैसे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें? एक तो किडनी से बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, इलाज उसका संभव है और अच्छा इलाज है, जिससे आदमी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कराना है तो आप उसके लिए घबराए ना, कराइए, क्योंकि लोगों में काफ़ी ये मित रहता है कि करा लिया तो परेशानी आ जाएगी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं, उसको सामना करना। तीसरा, अगर आपको किडनी बचानी है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, वॉकिंग करें, जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसका पालन कीजिए। बाकी आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, अगर आपका संचालन और स्वच्छ और अच्छा रहेगा तो आपकी किडनी भी अच्छी रहेगी। ये पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, इसमें ब्लड जो कि आप देख रहे हैं, एक रेड वाली जिसमें ये पॉइंट है, इससे ब्लड, इम्प्योर ब्लड इस फिल्टर में जा रहा है और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ये मशीन है जिससे पंप कर रही है इस जगह पे ब्लड। अगर आप इधर देखेंगे तो ये स्पीड चल रही है ब्लड पंप की, तो इस स्पीड से ब्लड 210 ml/min के हिसाब से ब्लड इसमें जा रहा है मशीन में। अभी हम लोगों ने स्पीड कम रखी है क्योंकि इनका नया फिस्टूला है, 10 दिन पहले ही स्टार्ट किया गया। और इधर से प्यूरीफाई हो रहा है, इसमें प्यूरिफिकेशन चल रहा है और जो गंदे तत्व हैं वो अपने डायरेक्ट एक लाइन में जा रहे हैं यहाँ पे ब्लड के, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है ये ब्लू से वापस शरीर में आ रहा है। इस मशीन को कहते क्या है? इसको डायलिसिस, हीमोडायलिसिस मशीन कहते हैं। हीमोडायलिसिस मशीन, इसमें फिर पूरा डेटा है कि कितना अपने को रखना है, कितना पानी शरीर से निकालना है, सारी चीज़ें इसमें की हुई है। एक बार में कितना डायलिसिस मतलब हो जाता होगा, खून प्यूरिफाई हो जाता होगा इसमें? तो ये मतलब 4 घंटे का प्रोसेस रहता है, तो उसी से अपना वो चल रहा है बेसिक। इसमें ये लिखा आ जाएगा आपका, ये हर मिनट 4 घंटे तक इतना ब्लड प्यूरिफाई होता जा रहा है पर मिनट के हिसाब से, तो करीबन 5 से 6 लीटर प्यूरीफाई हो जाता है। फिर सप्ताह में 2 बार या 3 बार पेशेंट को आना पड़ता है, 2-3 दिन बाद फिर ये आएंगे और फिर डायलिसिस करा के घर चले जाएंगे।
कितनी बार ऐसा कराना पड़ता होगा? सप्ताह में 2 बार 3 बार लाइफ लॉन्ग या टिल किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर एडी सूरी जी, जो सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल में किडनी विशेषज्ञ हैं, साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो घबराना नहीं है। अगर किडनी की बीमारी का की जानकारी होती है आपको, कि लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप नज़दीक डॉक्टर को दिखाएँ, अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, तो और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किडनी का ख्याल रखें, जानकारी ही सबसे बड़ा उपाय होता है। कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।